करना है वोटिंग। हाँ चलो यहाँ पे। हाँ पैसा देना पड़ेगा लेकिन। हाँ चलो। एंड दिस इज अ नो जोक थिंग ब्रो, एवरी डे मतलब हर दिन आपको ये देखने को मिलता है, लाइक वाओ। Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's another day, another super duper vlogs. And you're watching Arshad Vlogs. जैसे कि आपको पता है मैं daily vlogging कर रहा हूँ, तो कल जैसे अंधेरा हो गया था जब हम बिरला विद्या मंदिर गए थे, तो आज हम लोग उस मौके को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे बिरला विद्या मंदिर में, ताकि आपको दिखा पाए कि ये 1947 को जो स्कूल बना था वो कैसे बनता है। जिस स्कूल के बोर्ड मेंबर्स में है महात्मा गांधी, श्री वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, इतने बड़े बड़े बोर्ड मेंबर्स जिस स्कूल के रहते, तो उस स्कूल में विजिट करना इज मस्ट। और 1947 का स्कूल है, आप समझ सकते हो। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके भाई ने आज नहा लिया है, तो भाई तन्नू कुछ बताना चाहेगा भाई? बहुत ही मतलब दुनिया का सबसे हार्ड टास्क मान लो कि सब जीरो डिग्री में आप नहा लो, बट हमने ये कर दिखाया। और बिरला विद्या मंदिर जहाँ पे मैंने 7 साल पढ़ाई की, और वो स्कूल बहुत ही लाजवाब है यार। क्या स्कूल है यार, क्या स्कूल है? मतलब इंडिया में बहुत सारे इससे भी अच्छे स्कूल है, बट इससे अच्छा मतलब इससे मतलब बढ़िया रैंकिंग वाले स्कूल है, बट इससे अच्छा कोई स्कूल नहीं होगा। वो हैरी पॉटर वाला स्कूल का फील आता है ना, क्योंकि ये लोकेशन ही ऐसा है कि आप जहाँ अगर गूगल पे भी मारोगे कि सिटी ऑफ लेक्स, नैनीताल सिटी ऑफ लेक्स, तो पहला आएगा उदयपुर, फिर आएगा नैनीताल। नैनीताल मतलब एक इतना प्यारा शानदार जगह है ना कि आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने यहाँ पे पढ़ा है। एग्जैक्टली। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि मैं यहाँ पे नैनीताल में पढ़ा हूँ। क्योंकि हिल स्टेशन है, एक तो लोग यहाँ पे घूमने आते हो, समझ रहे हो आप, अगर यहाँ पे पढ़ते हो आप, तो देट इज़ अ टोटल डिफरेंट फीलिंग। और ये आप देख सकते हो, बाहर है 11 डिग्री और 11 डिग्री में हम लोगों ने अंदर नहाया। और ये देखो अंदर पूरा थर्मो क्लोथ जो रहता है अंदर, अच्छे से पूरा सूटेड है। अभी सिर्फ जैकेट पहनेंगे और निकलेंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल को, क्योंकि आपको तो पता है भाई, एवी के साथ जो भी होता है आप लोग को जरूर शेयर करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं। तो भाई नाश्ता वास्ता करके हम लोग निकल पड़े हैं, मोतन्नु भी अपना गाड़ी लेके बिल्कुल हमारे सामने। हेलो डॉक्टर मोतन्नु। यार फिर नैनीताल। और फिर से कोई टिप्स या फिर ट्रिक्स? जैसे ही आप सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हो तो कम से कम 2 मिनट रखो, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में अगर एक साथ में आप गाड़ी चला दो तो मतलब इंजन में थोड़ा हार्म आने के चांसेस है, इसलिए आप कम से कम स्टार्ट करके आइडल में 2-3 मिनट रखिए। मैकेनिक मोतन्नु सेज दिस। ऐसा मत सोचना कि मैं कैमरा देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं शूलेस बांध रहा हूँ। एक्चुअली अफजल भाई कैमरा में स्नीक पीक कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं। और ये देखो एक चीज मैं बताता हूँ, एक गाड़ी सामने आ गया ना तो आप खत्म ही हो, तो सामने वाले बंदे को बैक मारना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकल पाओगे। नीचे जाना पड़ता है। ये देखो ये सामने वाला बंदा नीचे गया और अभी हम लोग जा रहे हैं। चलिए मैं अभी आपको कुछ रस्ते के शॉट्स दिखाता हूँ और वहाँ जाके आपके साथ गुफ्तगु में आता हूँ। चलिए चलते है। यहाँ पे आके पता चलता है कि धूप कितना इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ मज़ा आ गया। बेसिकली मैं अभी बूटिया मार्केट में आ चुका हूँ, मेरे सामने है एक गुरुद्वारा और उसके पीछे है एक टेंपल, और मैं बेसिकली अभी जिस रेस्टोरेंट पे खाने आया उसका नाम है चाइना टाउन। ये रहा मेरे पीछे अफगानी मोमो, चिली पोटैटो और थुकमा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हम लोग वही सब अभी यहाँ पर ट्राई करेंगे। और जो भी ट्राई करके फील करता हूँ ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आपको तो पता है भाई एवी के साथ जो भी होता है ना आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता है। ये बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, शायद से 8-9 डिग्री रहेगा। भाई ऑर्डर कर दिए? हाँ भाई कर दिया। तो चलिए बिल्कुल बढ़िया, अभी बस हम लोग फटफट यहाँ बैठेंगे खाएंगे, उसके बाद वी आर जस्ट वेटिंग फॉर राहिल बॉस। राहिल बॉस से आपको मिलाएंगे हम लोग, और फिर हम लोग इस वीडियो में मेनली जो स्कूल है ना वो आपको दिखाएंगे। क्राउड तो देखो बॉस, क्रेजी क्राउड। तो ख़त्म कर लेते जल्दी से। तो गाइस लुक हु इज हियर, हमारे साथ अपने बॉस आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं हमें, तो इन्हीं का इंतजार था, बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे भाई के, और फाइनली भाई यहाँ है हमारे साथ। अभी हाँ भाई आ गए तो खाना शुरू किया जाए, तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद बाकी इंट्रैक्शन पे आते हैं। तो यार 2 मिनट में हो गया अपना खाना खत्म, ये देख सकते हो
पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से रेटिंग मैं आपको देता हूँ, फर्स्ट मुझे लगा ये थकुमा, फर्स्ट रीज़न मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड रीज़न बहुत ही गर्म था और बाहर बहुत ठंडा था, सेकंड मुझे लगा ये अफगानी मोमो, और थर्ड मुझे लगा ये चिली पोटेटो, और फोर्थ जो है ना वो पनीर मोमो, तो वो बहुत बेसिक था। और अभी बाहर जाते हैं जल्दी से क्योंकि बिरला विद्या मंदिर भी जाना है और वहाँ जाके बात करते हैं। तो भाई बेसिकली है ना कि हम लोग अभी प्रैंक कर रहे हैं, तो कोई भी रैंडम बंदे को पकड़ेंगे और बोलेंगे बोटिंग जाना है कि नहीं, तो ये हमें एक बंदा दिख गया सामने, तो फिर उसको पूछते, रुके मैं पूछता हूँ, आप पूछता हूँ, रुको रुको भाई, मेरे बोटिंग करना है, हाँ बोटिंग करना है, बोटिंग, हाँ चलो यहाँ पे, हाँ पैसा देना पड़ेगा लेकिन, हाँ चलो 400 रुपये, चलो दो निकालो, वहीं मिलेगा टिकट ही मिलेगा, नहीं नहीं तुम्हें करना है कि नहीं, हम टिकट ले रहे हैं वैसे, टिकट लेंगे नहीं, तुम्हें मैं चढ़ाऊँगा लेकिन पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, अच्छा दोगे, दे देंगे 400 रुपये, निकल अभी कहाँ है, अरे वही जाके हम लोग वो करेंगे ना, वो नाव चढ़ेंगे, अच्छा हाँ हम दोनों मिलके चढ़ेंगे, तुम 400 रुपये दोगे, हम दोनों घूमेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ पहला अटैम्प्ट मेरा फ्लॉप हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्या यार इसमें कोई चुली नहीं है, इसको गाली देना चाहता है, नहीं भाई नहीं नहीं मुझे नहीं चढ़ना, तभी वो मज़ा आता है, ये तो आराम से बोलता है हाँ चलो यार 400 दे दूंगा, मतलब भाई दिल हो तो ऐसा यार, कैसा बंदा ये शाहू भाई तो डर ही गए। तो चलो यार डायरेक्टली हम लोग जा रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बिरला स्कूल में जा रहे हैं, और यार बॉस के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे, बहुत ही हम्बल बंदे, लास्ट वीडियो में जो मैं आपको दिखा नहीं पाया ना बिरला कैसा है, चलिए आज दिखाई देते हैं बिरला कैसा है, हिल स्टेशन पे रहते मूवीज पे दिखाते हैं, बिल्कुल वही फील आया, मैं बता रहा हूँ ना अभी ये कैमरा ही जस्टिस करेगी वहाँ जाके, चलिए चलते। तो ये देख सकते हो ये है कुछ इस तरीके का चढ़ान, चढ़ान मैंने अभी आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पूरा चढ़ान अच्छे से दिखाया, अगर आपने लास्ट वीडियो मिस कर लिया तो जल्दी से जाओ देखो लास्ट वीडियो, उस पर मैंने दिखाया कि बिरला का चढ़ान किस तरीके से होता है, और अभी सिर्फ आज स्कूल देखेंगे और सीनियर स्कूल जूनियर स्कूल फील्ड जितने भी चीज़ है ना वो हमें टूर कराएंगे हमारे एक्स स्टूडेंट ऑफ बिरला और अपकमिंग स्टूडेंट ऑफ बिरला देखेंगे और सीखेंगे, एक्स स्टूडेंट और अपकमिंग स्टूडेंट का भाई देखेगा अभी और भाई आप सबको दिखाएगा जूनियर सीनियर। तो भाई जैसे ही हम लोग आ जाते हैं स्कूल में स्कूल में यहाँ पे पार्किंग करने के बाद सबसे पहले हमें दिखता है ये, देखिए ये एक पहला बास्केटबॉल कोर्ट दिखता है, फिर उसके बाद एक और बास्केटबॉल कोर्ट, फिर लॉन टेनिस कोर्ट, फिर उसके बाद एक पार्किंग के लिए जगह है और ये फील्ड नंबर वन। इस फील्ड का खासियत ये है कि ये फील्ड पहाड़ के ऊपर है और ये इंडिया में ऐसे बहुत ही लिमिटेड फील्ड है जो पहाड़ के ऊपर जो प्रॉपर फील्ड है, एंड दिस इज अमंग वन ऑफ दोज फील्ड्स। अभी स्कूल बंद हो चुका है क्योंकि विंटर वेकेशन है, तो ये जिमनेजियम है, फिर वो सुभाष हाउस है, जूनियर विंग हाउसेस का सुभाष हाउस, जूनियर विंग में 5 हाउसेस है और वो हाउसेस क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक है, तो जूनियर विंग उसमें आते हैं, फिर क्लास 9 से क्लास 12 तक सीनियर विंग में आते हैं। ओके ओके ओके। जूनियर विंग में से सबसे सीनियर मोस्ट हाउस है सुभाष हाउस, तो जिसमें सिर्फ 7th और 8th है। सबसे पहला क्लास मेरा था वो 7B, ये वाला सेकंड वाला, तो ये मैं आगे से दिखाऊंगा। तन्नू भाई जब यहाँ आए थे तो तब वो 7th पे पढ़ते थे, स्कूल है ना पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के टॉप में है और पूरा हिल टॉप इन्हीं का ही है पूरा। जैसे 1870s को ये स्कूल बना था और तब मतलब जो जितने भी ब्रिटिशर्स थे तो उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ा करते थे और बेसिकली इंडियंस को तब अलाउड नहीं थे, लेकिन जब 1947 को जब इंडिया जब पूरा मतलब आज़ाद हो गया तब ये हमारे जी डी बिरला ने ये ब्रिटिशर्स से एक्वायर कर लिया, ब्रिटिशर्स से एक्वायर करके एट द रेट ओनली 2 लाख रुपीज, तब 2 लाख रुपए से ये पूरा खरीदे थे पूरा जितने भी जमीन। आपको बता देता हूँ वो है 7th भी मेरा पहला क्लास था, फिर ये पूरा जूनियर विंग है, वो स्टाफ रूम है, फिर यहाँ पे एक वो है बिलियर्ड्स रूम और म्यूजिक रूम नीचे है। मतलब आप देखो यार बहुत ही मज़ेदार वो पुराना मतलब हाँ। जैसे मूवीज पे दिखाता ना वो पुराना सा बोर्डिंग स्कूल, ये बास्केटबॉल कोर्ट बीच में है और 2 बैडमिंटन कोर्ट इसके बगल बगल में। यार बहुत सही लग रहा है यार, लेकिन ये जो पहाड़ में ये स्कूल है ना उसका नाम है शेर का डंडा, मतलब ये पहाड़ का नाम है शेर का डंडा, स्कूल का नाम नहीं, स्कूल का नाम है बिरला विद्या मंदिर। स्मार्ट क्लासेस है, हर एक क्लास स्मार्ट क्लासेस से इक्विप्ड है। अच्छा, अभी क्लास खुलवा नहीं सकते बट आप ऐसे देख लीजिए, ये आपको दिखा देते हैं, ये क्लासरूम का अंदर का सीन है। स्कूल कम और रिजोर्ट ज़्यादा लग रहा है, आप देख सकते हो क्या वाइब है इस जगह का, व्हाट अ वाइब, गुड प्लेस टू स्टे इंडीड, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे रहने में, है नहीं अफजल? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
और इस कॉरिडोर से तो मुझे प्यार ही हो गया। जब काश यहाँ पे लाइट्स लगे रहते और रात को यहाँ पे एंट्री अवेलेबल रहता भाई, ये तो एक फोटोजेनिक जगह बन जाता। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जूनियर हाउस से सीनियर हाउस जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम के लिए एक आध फोटो ले लिए, तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कीजिए, अच्छे अच्छे फोटोज़ दिख जाएंगे नैनीताल के। तो चलिए चलते हैं सीधा। यहाँ पे बंदर और लंगूर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के राइवलरी चलता है बंदर और लंगूर के अंदर, और पूरा मतलब गैंग फाइट जैसा चलता है बॉस। आपको चूज करना है कि आप बंदर के साइड पे या लंगूर के साइड पे, क्योंकि अगर आप लंगूर को खाना खिलाते हो तो बंदर आपको पीटेगा। क्योंकि असल भाई से कमेंट सेक्शन भर दो आप कौन से साइड पे हो, कमेंट सेक्शन भर दो। हमारे 52 की स्थान है। अच्छा, ये हो गया विवेकानंद हाउस और यहाँ पे बेसिकली ये है डॉर्मेट्री। तो ये देख सकते हो पूरा मतलब अच्छे से सब बच्चे आराम से रह पाएंगे यहाँ पे। और ये यहाँ के केयरटेकर है। और सर कैसा इस जगह का मतलब एम्बियंस, जब बर्फ वर्फ पड़ता है कैसा लगता है? अरे बहुत ही, यहाँ तो बहुत मजा आता है, मजा आता है। बेल्जियम से एक सिस्टम मतलब इन्होंने मंगवाया था जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, ये नैनीताल में सिर्फ एक ही स्कूल में है, दैट इज बिरला विद्या मंदिर। ये देख सकते हो पूरा मतलब जो है ना डोमेट्रिक गर्म रहता है ताकि बच्चों को कोई भी डिफिकल्टी फेस करना ना पड़े। तो बेसिकली हम लोग अभी ये डोमेट्रिक के वॉशरूम में आ गए, क्योंकि ये वॉशरूम है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों के लिए कि वॉशरूम कैसा होगा, वॉशरूम कैसा नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बेसिकली स्टैंडिंग टॉयलेट वगैरह यहाँ पे मेन है चीज़, और नहाने का जगह ये देख सकते हो, मतलब पूरा प्रॉपर है हर एक चीज़, एक गर्म एक ठंडा, मतलब एवरीथिंग इज सुपर डुपर फाइन हियर और बिल्कुल प्रॉपर है। तो अभी हम लोग वॉशरूम से निकल रहे हैं और बाकी चीज़ों में ना फोकस करने जा रहे हैं, चलते हैं। तो गाइस जैसे आप लोगों ने देखा, अभी हमने आपको दिखाया हाउसेस, क्लासरूम्स, डोमेट्री, डोमेट्री जितने बच्चे रहते हैं उनके वॉशरूम, और अभी हम लोग जा रहे हैं मेस पे। तो मेस पे कैसे रहता है, बच्चे कैसे खाना खाते, क्या रहता है, हर एक चीज़ आपको डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि आपको तो पता है भाई एवी के साथ जो भी होता है आप लोगों को जरूर शेयर करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं, क्योंकि हमारा टूर गाइड मोतनु निकल चुका है, जल्दी से भागते अभी। तो बेसिकली क्या है ना, ये एक मेस है जहाँ पे सारे बच्चे जो बिरला विद्या मंदिर के जितने भी बोर्डिंग में रहते बच्चे, तो यहाँ पे बैठ के खाते। और बहुत ही बड़ा हॉल है और पूरा हीटेड हॉल है, मतलब पूरा कोई भी मतलब ठंडा लगने का कोई चांसेस भी नहीं है। देख सकते हो हर एक बच्चों का फूडिंग यहीं से होता है। और सर यहाँ के केयरटेकर है, और मतलब समझ रहे हो भाई, फूडी तुम्हारा फूडी के दिन गए, फूडी के दिन गए भाई इसके। कौन सा कौन सा ये वाला आ रहा है सर? तो सर मतलब पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं कोई प्रॉब्लम, मतलब बच्चों का हेल्थ का जो है ना ये सब सर के ऊपर रहता है, जितने भी बच्चे हैं उनका हेल्थ जो अच्छा रहे, मजबूत रहे बच्चे, वो सब सर के ऊपर है। प्रिंसिपल ऑफिस देख सकते हो, मतलब बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का है, मतलब बहुत ही पुराना जो रहता है ना, विंटेज जो ब्रिटिशर्स का जो मतलब डिजाइन लैंग्वेज था, मतलब ये इतना मोटा मोटा वो वॉल रखते थे कम से कम। कितना ही बताओ कितना मोटा वॉल है, ये ब्रिटिशर्स का वो आर्किटेक्ट डिजाइन था। हाँ, तो ये सब क्योंकि ये सब पूरा ब्रिटिशर्स ने डिजाइन किया था ना, तब के जमाने का था, तब के सब जितने भी ब्रिटिशर्स के बच्चे थे तब पढ़ते थे। तो ये देख सकते हो पिलर्स, यहाँ पे पूरा स्कूल का जितना भी हिस्ट्री है ना सारा लिखा हुआ है जो पूरा रिटन है ये सब। ये स्कूल के बाहर यहाँ जो पोस्ट ऑफिस है ना, एक पोस्ट ऑफिस का वो लगा हुआ है डॉक, ताकि जितने भी बच्चे थे पहले जब पुराने दिनों में पढ़ा करते थे तब फोन वोन अलाउड नहीं था, तो घर पे ऑफिशियली लेटर लिख के यहाँ पे देते थे, फिर घर से फिर वैसे रिप्लाई आता था, मतलब वही पुराने दिनों का एंशियंट जो ज़माने में जैसे चलता था। आजकल तो भाई वो शायद से संडे को फ़ोन प्रोवाइड करते और तब बात कर लेते थे, लेकिन पहले इसी से काम चला करता था, तो समझ पा रहे हो आप लोग। और ये तो पिलर शायद से भाई ब्रिटिश के टाइम के ही रहेंगे मुझे लग रहा है। ये आपका मेस है? हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद आपका ये सीनियर विंग है? हाँ हाँ क्लासेस है। तो ये हाउसेस था पीछे और ये सीनियर क्लासेस, फिर उसके नीचे ऑडिटोरियम, फिर उसके नीचे फील्ड। मतलब अगर आप इस पहाड़ की चोटी पे, मतलब ये क्या है, ये हाउस है विवेकानंद हाउस। हाँ, तो विवेकानंद हाउस में अगर आप खड़ा रहते हो उसके बाहर से आप पूरा मतलब वो देख सकते हो, पहाड़ के नीचे जैसे डिक्लाइन होता रहता है ना, तो क्लासेस है, मेस है, उसके बाद वो स्टेडियम फील्ड है नीचे, मतलब ऐसा पूरा हर एक चीज़ विजिबल रहता है यहाँ से। और फिर थोड़ा लेफ्ट घूमते हो ना बॉस, भवाली उस तरफ आपको ये देखने को मिलता है ये सीन, एंड दिस इज़ अ नो जोक थिंग ब्रो, एवरी डे मतलब हर दिन आपको ये देखने को मिलता है, लाइक वाओ। अगर साफ रहता है ना, मौसम साफ रहता है ना बारिश के बाद, तो बरेली तक आपको दिखाई देगा यहाँ से। क्या बात कर रहे हो, 100 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से बरेली, तो बरेली भी दिखाई देगा। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत है भाई, ये मजा आ गया देख के।
सपोज आप यहाँ से पढ़ के निकले हो, वो है ना कि आप इतने बड़े ग्रुप के एक फैमिली मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, मेंबर हो गए आप, तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी चीज है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे यहाँ से निकल के अभी हम लोग सीधा थोड़ा एक्सप्लोर करके घर जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को है ना बॉस मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग है, अभी से जो होगा वो कल के वीडियो में आएगा। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चल भाई सेज की लंगूर और बंदर के फाइट में कौन जीतेगा वो भी कॉमेंट सेक्शन पे बताओ, और स्कूल कैसा लगा वो भी कॉमेंट सेक्शन। अफजल भाई सेज कॉमेंट सेक्शन भर दो। अफजल भाई सेज व्हाट? कॉमेंट सेक्शन भर दो भर दो। तो स्टे होम। अरे भाई अरे भाई ये बड़ा वाला लंगूर था। स्टे होम, स्टे सेफ, हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस, एंड अर्शद व्लॉग्स साइनिंग ऑफ।